हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर कपिल शर्मा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट्स का प्रोसीजर क्या होता है और डेंटल इम्प्लांट्स होते क्या हैं। डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं आर्टिफिशियल दांत होते हैं। आर्टिफिशियल दांत को लगाने का सबसे जो बढ़िया माध्यम है वो डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं। डेंटल इम्प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे एक कृत्रिम जड़ होती है, जिस जड़ को हम हमारे जबड़े में डेंटल सर्जन जो होते हैं वो रोप देते हैं और उसके बाद कुछ समय वेट करते हैं और उस पर दांत फिक्स हो जाता है। इसके लिए डेंटल इम्प्लांट्स कौन कौन लोग करा सकते हैं, चाहे आपका एक दांत निकल गया हो, चाहे आपके एक से ज़्यादा दांत निकले हों या आपके सारे दांत निकले हुए हों, तो भी हम डेंटल इम्प्लांट्स करवा सकते हैं। डेंटल इम्प्लांट्स करवाने के लिए आपको कंसर्न डेंटिस्ट के पास जाना होगा, जो कि या तो MDS है या उसको बहुत सारे हजारों इम्प्लांट्स करने का अनुभव है। उस डेंटिस्ट के पास जाएंगे, डेंटिस्ट आपको एग्जामिन करेगा। एग्जामिन करने के बाद वो आपके मसूड़ों की, हड्डी की कंडीशन, आपकी इंट्रा ओरल स्पेस, इंटर आर्च स्पेस को इवेलुएट करेगा, आपका एक एक्सरे कराएगा जिसे हम OPG एक्सरे कहते हैं, और फिर अगर ज़रूरत हो तो कुछ केसेस में हमें CBCT भी कराना पड़ता है। CBCT होता है कंप्यूटर डेंटल CT स्कैन। उस CT स्कैन की रिपोर्ट को देख के डेंटिस्ट प्लान करते हैं कि आपके मुंह में कितने इम्प्लांट्स डलेंगे, क्या साइजेस इम्प्लांट्स का रहने वाला है और आपका मुंह में कैसा प्रोस्थेसिस आपको दिया जाएगा। इन सब चीज़ों पे आपके इम्प्लांट्स की कॉस्ट का निर्भर करती है, इसीलिए ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो है, ये जो इवेल्युएशन है, जो थोरो चेकअप है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हम ये सब इन्वेस्टिगेशंस होने के बाद डेंटिस्ट प्लान करते हैं कि आपको कितने इम्प्लांट डलने हैं। पहले वो आपको इम्प्लांट से पहले आपको सारी प्रिकॉशंस और सारी चीज़ें बता देते हैं। अगर आप कंसेंट देते हैं, आप इम्प्लांट के लिए जाना चाहते हैं, तो आप इम्प्लांट के लिए हाँ कर देते हैं, तो डेंटिस्ट उसको प्लान करते हैं। और जिस दिन आपकी इम्प्लांट सर्जरी होनी है उस दिन डेंटिस्ट आपको एक सुन का टीका लगाते हैं, ताकि आपको जब इम्प्लांट सर्जरी करें तो आपको कुछ महसूस ना हो। वो कोई बहुत बड़ा एक लोगों में मिथ है कि इम्प्लांट सर्जरी करते वक्त पता नहीं बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ड्रिल करने से दर्द होगा, पता नहीं क्या होगा, जबकि ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर होता है। जैसे हम दांत को निकालते हैं वैसे ही हम दांत को अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। तो अब फ्रेंड्स, इसमें क्या रहता है कि हम जब इम्प्लांट कर रहे हैं तो एक छोटा सा इंसीजन देते हैं। कभी कभी हम इंसीजन देते हैं, डेंटिस्ट कभी कभी फ्लैपलेस करते हैं। अगर हम इंसीजन देते हैं तो इंसीजन देने के बाद हमने इम्प्लांट को डाल दिया उस जगह पे जो हमने डिसाइड की थी, डेंटिस्ट ने जगह वहाँ पे डाल दिया, उसके बाद उसको सूचर कर देते हैं। फिर सूचर करने के बाद एक हफ्ते के बाद आपको कुछ एंटीबायोटिक कोर्स लेने के बाद हफ्ते के बाद वो सूचर रिमूव कर दिए जाते हैं, और उसके बाद 2.5 से 3 महीने के बाद उस पर एक हीलिंग कॉलर लगता है।